हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन एंड फीलिंग सेफ। वेलकम बैक हम सबके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस लेक्चर 17 में। आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट्स एडिमा। बेसिकली मे बी इट कम फॉर 10 मार्क्स, मे बी नॉट श्योर, और मे बी इट्स फॉर 4 मार्क्स। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सिनोनिम्स: शोध को शोफ भी बोलते हैं, शव्य तो भी बोलते हैं, दफ तो भी बोलते हैं। उत्छेद वर्ड भी आप यूज करते हो। अगर आपके उत्छेद कहीं पे बॉडी पे होता है तो उसे शोध बोलते हैं। शोध आपका निज हो सकता है, अगंतुज हो सकता है। निज मतलब कि आपके अगंतुज कारणों से, मतलब निज मतलब दोषों की वजह से, लाइक अति गुरु, अम्ल लवण, पिष्ठहन, फल, शाक, दधि, मद, नव, शुक, धान्य, शमी धान्य, इन सब की वजह से, पंचकर्मा के मिथ्या योग की वजह से हो जाता है, कुष्ठ, कंडू, इन सब की वजह से होते हैं। अगंतुज जैसे छेदन, भेदन, भंजन, पीड़न, उच्छेदन, प्रहार, भंजन, वेषण, इन सब की वजह से हो सकता है। भल्लातक के पुष्प फल से हो सकता है, कपि कच्छु के शोक से हो सकता है, कृमि शोक, और कोई भी विष पत्र अगर टच हो जाता है तो स्वेलिंग हो जाती है। संप्राप्ति क्या है इसकी? निदान का सेवन करते हो तो प्रकोपित जो वायु होती है वो आपके रक्त वाहिनी सिराओं में जाती है। वहां पे क्या करती है? कफ और पित्त और रक्त को दूषित करती है। बात क्या आती है? आपके सिरा में जाती है, वहां पे आपके कफ पित्त रक्त को दूषित करती है और वहां पे एग्रीवेट करके इनको वायु को रोक देती है। और वायु वहां पे क्या कर देता है? उत्छेद कर देता है। आपको पता है स्वेलिंग में क्या होता है? उठा हुआ होता है, तो उठता किसकी वजह से? वो वायु की वजह से। बैलून भी कब फूलता है? जब हम उसमें हवा भरते हैं, ठीक है, फिर इससे शोथ हो जाती है। नेक्स्ट आती है इसकी बेद। बेसिकली निज और अगंतुज, निज में वातपित कफ और अगंतुज में आपके अघात से या फिर असात में से होता है, ठीक है। और स्थान भेद से अगर देखते हैं तो सर्वांग, एकांग और अर्ध अंग, ओके, सर्व अंग में, एक अंग में या आधे में हो सकता है, या फिर ऊर्ध्व, मध्यम, अधो या सर्वसर, ऊपर, मध्य, अधो या फिर सारे में हो सकता है। पूर्व रूप की बात करते हैं तो इससे पहले आपको पता होगा रूबर, कैलर, डॉलर, ये सब आते हैं इसमें, तो वो तो लक्षण में आएंगे। पूर्व रूप में पहले इसमें उष्मता, दाह, सिरणम, आयाम, वैसोडाइलेशन होता है, तभी तो। अब कोई चीज बैलून भी क्या होता है? जब हम उसमें हवा डालते तो वो थोड़ा खुलता है ना, थोड़ा तो थिन होता है, तो लाइक डेट कि इसमें वैसोडाइलेशन होती है। सामान्य लक्षण इसका उत्छेद मिलता है, अनवस्थित शोथ, गौरव, उष्मा, सिरा, तंतुता, मतलब वही इसमें वेन्स दिखती है, ठीक है, और लोम, हर्ष और विवर्ण होगा। विशेष लक्षण की बात करें, जो शोथ होती है वो त्रिदोष जो होती है, तो जो भी दोष प्रधान होगा उसके लक्षण मिलेंगे वात पित्त कफ। जैसे वात जो होती है वो मूवमेंट करती रहती है, और इसमें जो स्किन होती है वो रुक्ष मिलेगी, और अनियमित सुप्ति, हर्ष, पीड़ा, मतलब की क्या होता है, डे टाइम में ज्यादा बढ़ती है, और रिस्टोर आफ्टर प्रेशर। अब जैसे हम इसको दबाते हैं ना, तो ये दबाने पे तो मतलब कि गड्ढा सा बन जाएगा, फिर दोबारा उठ जाती है क्योंकि वात है। पित्त में क्या होगा? सगंध होगा, मृदु स्पर्श होगा, पाक ज्यादा होगा उसके अंदर, ठीक है। कफ में क्या होगा? गुरु स्थिर रहेगी वो, और अति प्रशेक रहेगा, अग्निमंद रहेगी, और डज नॉट रिस्टोर आफ्टर प्रेशर। जैसे हम उसको दबाएंगे तो वो वापिस नहीं आती है इसमें, ठीक है, और नाइट में एग्रीवेट होती है, ठीक है। जो आपकी कफ होती है वो रात्रि बलि होती है, और जो आपकी बात होती है वो दिवा बलि होती है, दिन में प्रधान रहती है। साध्या, साध्या की बात करते हैं। साध्या वो ही जिसका बलमाशी ना हो, एक दोष वाला उपद्रव ना हो, तो वो साध्या है। कृत साध्या जिसके मध्य में हो, सारे शरीर में हो, वो कृत साध्या। असाध्य जो बालक, वृद्ध, कृष, दुर्बल व्यक्ति को हो, कुक्षी, उदर, गल, मर्म, गत पे हो, उपद्रव सहित हो, तो असाध्य होंगे। उपद्रव क्या आते हैं इसके अंदर? ज्वर होगा, सर्दी, अतिसार, अरुचि, तृष्णा, का श्वास, सिका होता है। शोध की चिकित्सा क्या होती है? रोगी या रोगी के बल, रोगी या रोग के बल के अनुसार आपको देखना है, ठीक है। तो इसमें आता है अथ आमज लंघनम पाचनम क्रमश विशोध्येत उल्बणम दोषम आदित्य शिरोगतम शीर्ष विरेचनम अधो विरेचने उर्ध हरे तथो उर्धजम। मतलब कि अगर इसको देखते हैं कि वो किस वजह से अगर शोथ हुई है, उसके अकॉर्डिंग इसमें चिकित्सा करते हैं। अगर स्वेलिंग आम दोष की वजह से हुई है तो लंघन पाचन कराना है। अगर इफ दोष आर एग्रीवेटेड, अगर दोष बड़े हुए हैं तो संशोधन चिकित्सा करानी है। इन केस ऑफ शिरोगत, शिरोगत में नस्य, उर्ध में वमन और अधो में विरेचन कराना है। अगर वो आपकी स्निग्ध द्रव्य से हुई है तो आपको रुक्षण चिकित्सा करनी है। अगर रुक्ष से हुई है तो स्नेहन चिकित्सा करनी है। अगर वात ज्यादा प्रीडोमिनेंट है तो निरुवस्थि देनी है। अगर वात और पित्त है तो तिक्त द्रव्य साधित घृत देना, और कफ है तो आपको क्षार, कटु, उष्ण द्रव्य, गौमूत्र देना है, और मूत्र विरेचन
विरेचक और मल विरेचक द्रव्य आपको वहां पे देने हैं, ठीक है, शोथ के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट आता है शमन औषधि। इसके अंदर आपको पुनर्नवा मंडूर श्वेत परपटी देना है। बेसिकली इसमें पुनर्नवा वर्ड आपको बहुत ज्यादा याद रखना है और कंस हरित की इसके लिए स्पेशल है शोथ के लिए, ठीक है, ये इसका रोग अधिकार है बेसिकली। और इसमें आपको क्या हो जाता है, फूल जाते हैं ना शोध, तो इसमें पुनर्नवा आपको मेन याद रखना है, पुनर्नवा अलग से ही लिख लो। तो पुनर्नवा का एक इसमें मंडूर है, एक इसमें चूर्ण है, ठीक है, पुनर्नवा गुगलू है, क्वाथ है, पुनर्नवा अष्टक क्वाथ और पुनर्नवा आसव है, ठीक है, और हरित की रसायन भी है, दशमूल क्वाथ भी है। शोध के लिए दशमूल बेस्ट रहता है, अभ्यरिष्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। ट्रीटमेंट में बेसिकली आपको यही याद रखना है, जिस वजह से हुआ उसका, अगर आम की वजह से हुआ तो लंगन पाचन, अगर दोष पड़े हैं तो संशोधन, ठीक है, ऐसे ऐसे सब इसमें ही आएगा, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।